हेलो, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं रवा सूजी उत्तपम, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। ये इन्हें आराम से आप ब्रेकफास्ट में बना के सर्व कर सकते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं। ये बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत पसंद करते हैं इन्हें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रवा उत्तपम बनाने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए दही, सूजी, गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब ये सब्जियां हैं जिन्हें हमें छोटे छोटे पीसों में चॉप कर लिया है। ये सब्जियां हैं आपके पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, धनिया, मिर्ची, हरी मिर्च है, प्याज है। इन्हें छोटे छोटे पीसों में हमें काट लेना है। अब ये एक कटोरी हम सूजी लिए हैं, उतना ही हमें दही भी लेना है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अच्छे से मिक्स करने के लिए हमें इसे चलाते रहिए जिससे ये अच्छे से मिल जाए। इन्हें बहुत पतला नहीं करना है और ना तो गाढ़ा करना है। पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए इन्हें, कि हमें 15-20 मिनट के लिए इन्हें ढक के रख देना है मिक्स करके। अब ये 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम सभी सब्जियों को डालेंगे। पत्ता गोभी पहले डाल देते हैं। गाजर, शिमला मिर्च थोड़ा सा बिल्कुल, प्याज है, टमाटर, हरी धनिया और थोड़ा सा दो तीन है मिर्ची, हरी मिर्च, इन्हें भी काट के हम डाल देंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी पानी थोड़ा कम है, थोड़ा सा पानी डालेंगे इनमें, थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे जिससे ज़्यादा गीला ना हो जाए। अब गरम मसाला 1/2 स्पून, 1/2 स्पून जीरा पाउडर, थोड़ा सा हमें सोडा पाउडर डालना है। अब 1/2 स्पून नमक डाल देना है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में बहुत आराम से झटपट बनने वाला ब्रेकफास्ट है ये, आप इन्हें तैयार करके आराम से बच्चों को दे सकते हैं। चलिए तवा गरम कर लेते हैं, नॉनस्टिक तवा गरम कर ले। अब तेल थोड़ा सा डाल देते हैं। अब ये गरम हो जाए फिर इसके अंदर ये डालेंगे, थोड़ा करके धीरे धीरे डालेंगे और बीच में डाल के इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। और वो तेल की वजह से है, धीरे धीरे इसको किनारे किनारे से कर लेंगे तो मिल जाएंगे आपके इस तरह से। दो मिनट के लिए इन्हें हमें ढक के रख देना जिससे अंदर से अच्छे से पक जाए, ऊपर से भी क्रिस्पी हो जाते हैं। सूजी पकने में थोड़ा टाइम लगता है तो 2 मिनट के लिए इन्हें ढक के रख देंगे। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें पलट के हमें दूसरी साइड पे सेकना है। अभी एक प्लेट में से निकाल देंगे। निकाल के फिर उसको पलट देंगे हम। दूसरी साइड भी हमें सेक लेना है, लो फ्लेम में ही हमें सेकना है इन्हें, जिससे अच्छे से ये पक जाते हैं और
बहुत टेस्टी लगते हैं, बच्चे भी बहुत पसंद आते हैं ये। ये देखिए अब ये तैयार हो चुके हैं आपके ये उत्पम। अब इन्हें चटनी के साथ बच्चों को दे सकते हैं ब्रेकफास्ट में। चलिए पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये, थैंक यू।